पठानकोट शहर के बीचों बीच गुजरती माधोपुर ब्यास एम्बी लिंक नहर में बुधवार रात को संदिग्ध हालातों में गिरकर लापता हुए युवक का दो दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। लापता युवक की पहचान लखविंदर सिंह उर्फ बोनी उम्र 28 वर्ष पुत्र सुरिंदर पाल सिंह वासी दौलतपुर पठानकोट के रूप में बताई गई है, जो कि प्रेस मीडिया ग्रुप में काम करता था। युवक की बड़ी बहन रितु ने बताया कि बुधवार रात करीब 9:45 बजे उनको बोनी का फोन आया था। उसने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ दीरा नहर पर बैठा हुआ है। उसके बाद पता चला कि बोनी नहर के पानी में डूबकर लापता हो गया। वह जब मौके पर पहुंचे तो उसके कपड़े नहर किनारे पड़े मिले, जबकि उसका पर्स और मोबाइल उसके दोस्त सेठी के पास था। उन्होंने कहा कि उन्हें आशंका है कि बोनी के साथ उस रात जरूर कोई बात हुई होगी। उन्होंने कहा कि बोनी के साथ उस रात क्या हुआ होगा ये सब उसका दोस्त सेठी ही बता सकता है, इसलिए पुलिस उससे सख्ताई से पूछताछ करे। वहीं जब इस घटना संबंधी थाना डिवीजन नंबर 2 के प्रभारी इंस्पेक्टर मनदीप सलगोत्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचे, लेकिन रात को अंधेरा होने के कारण बोनी का कोई सुराग नहीं मिल पाया। वीरवार को लोकल गोताखोरों को नहर में उतारा गया, साथ ही नहर का पानी भी कम करवाया गया। वीरवार रात तक भी उसका नहर में कोई सुराग नहीं मिल पाया। नाम रितु है, कितने रहने वाले? 4 मरले दे। मैम की गल बात हुई? ए मेरा भरा है छोटा, ते ए कोई मैनू पहले ते 3:30 बजे 4 बजे तक मेरे घर बैठा, मेरे को आया महीने बाद। मैनू पूछा, मैंने कहा चाह पानी पीना, कहिंदा नहीं। और यह जरा मुंडा सेठी है, यह आया साढ़े घर, तो ये कोई 5 बजे निकल गया मेरे घरों। जदों मेरे घरों निकल गया तो अगे मैनू लगे, मैं कि स्कूटर लैके चला, तू रहते ठहर के चला जाएगी, कहता नहीं मैं जाना जरूरी काम है। ये आ गए हैं तो 9:45 बजे का टाइम होंगे तो मैनू फोन करता, मेरा फोन नहीं चुकती पी तू। मैं क्या मैं फोन चुकना ही तेरा, तो मैं बिजी ही ता नहीं चुकया। मैंने कहता फोन चुके, कहता कि जीजा कितने है? मैं क्या जीजा तो काम से गए थे, उसे जम्मू, तो जम्मू आते जिदा ही मैं तेरी गल करवानी हाँ, तो मम्मी ना गल करवा मेरी। मैं क्या तू भैन ना कर ला छोटी ना गल, उन्होंने कर फोन, कहता वो बाजार समान खरीदी भी रखड़ियाँ का, तो मैं ना इतने बैठा नैर से ना लत्तां लमका के इतने बैठा। मैं क्या तू की वेट करता पाया इतने बह के, की वेट करता पा, कोई टेंशन है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा? कहता नहीं नहीं इस तरह ही बैठा मैं, आई मजे करे करना, इस तरह ही बैठा, मेरी गल करवा तू मम्मी ना घर जाके। मैं क्या चल जीजा तेरे आँ दे 5 मिनट च, मैं तेरी गल करवा दिनी हाँ। फिर ये होर गल कर लग पे, मैं क्या कि इन्ना हरे शायद पीती दी है तो दिमाग खाए करता है। मैं 2 मिनट लिए फोन अपने ऑफ करता, 2 मिनट बाद जो मैं 5 मिनट होए तो मैं क्या मैं फोन ऑन कर ला कि हसबैंड मेरे हजे तक घर नहीं आए जम्मू तो लेट हो गया। मैं फोन ऑन किया, जिस तरह ही मैंने पहला फोन ही भैन का आया छोटी का, कहती तेरे ना कोई गल हुई? मैं क्या नहीं, चंगा भला गल कर दिया है। कहती उन्हें नैट छाल मारती मुंडा, कहता छेती आ। जो इतने आके देखा तो वो मुंडे को मोबाइल भी वो कोल है, वो कोल पॉकेट भी है, वो कपड़े भी इतने है, सब कुछ इतने मिल रहा, तो वह इतने बैठा। असं चाहते वो परचा होए तो सानू पता लगे उस मुंडे से सेठी वह नाम है, क्योंकि वह सानू बयान वो दौलतपुर का वह बयान बदल रहा बार बार, कभी कुछ कहना होर इंसान से कुछ शक है? नहीं सानू किसी से शक नहीं, होर सानू मेरी भैन शायद हो सकता, लेकिन सानू कोई शक नहीं। लेकिन इतने ना एक कोई लड़ाई वगैरह कभी किसी ना लड़ाई नहीं सी करता, जे अगर कोई गल होंगी तो मैंने जरूर दस रही थी। और एक सानू इतों एक क्लू मिले कि एक नवा दुपट्टा है हरे रंग का, नवा दुपट्टा मिले ताकि जी सा सोच कहती है कि कोई टाइम 7-8 बजे तो बाद इतने कोई जनानी नहीं आती होएगी, कि जे कपड़े धोन भी आई होगी 7-8 बजे बाद कोई दुपट्टा रखे तो सुक जाता, पर इतने वो दुपट्टा सुकया नहीं। रात के 9:30 सानू दुपट्टा मिले नवा हरे रंग का, और पानी चो नुचड़िया हुआ दुपट्टा सी इतने पिया। बस सही कहना चाहेंगी, पर सासन तो सानू यही मांग है कि साडा जिहड़ा बच्चा आ सानू सही सलामत मिल जाए, तो असी किसी ने साडी कोई दुश्मनी, प्रशासन साडी मदद कर रहा, पुलिस वाले साडी पूरी मदद कर रहे हैं, पर असी अपने बच्चे नू वापस चाहते हैं। कुछ नहीं परसों कौन आया सी लड़के ने शाल नहीं रात ने मौके पे जेड़े मुड़ा सीगा ते कहन कि इत्थे बैठिए, ते इस दौरान दूसरा लड़का बोल नेर मरी मौके पे चेक किया गया रात का सीगा किता चेक किया सवेरे लगा कल भी आँदी हैगी अज भी चेक कर रहे हैं फिलहाल लड़के बारे पता लग्या नहीं है छाल मारे प्राइवेट होटल की पैसे जिन्होंने पता लगे नहीं पानी का भी नहीं है सर की पछाण हुई है यदा नमी है जो कि रहने वाला है चार मुले को।
जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत। आप सारे जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा।